प्रदीप पांडे चिंटू के पापा जी राजकुमार पांडे की इन दिनों रातों की नींद और दिन का चैन खेसारी लाल यादव ने छीन लिया है। खेसारी लाल यादव ने उन्हें जोर का झटका धीरे से दिया है और साथ ही भोजपुरी गलियारों में ये बात बड़ी जोरों शोरों से गर्म हो गई है। क्या खेसारी लाल यादव राजकुमार पांडे, प्रदीप पांडे चिंटू और प्रियंका पंडित से पूरी तरह से बदला लेने के मूड में है? जी हाँ, जरा आप हमारी इस रिपोर्ट पे गौर फरमाइएगा तो आपको सारा माजरा समझ में आ जाएगा। आपको याद है कि कुछ दिनों पहले राजकुमार पांडे ने खेसारी लाल यादव को बड़ा ही भला बुरा कहा था। साथ ही प्रियंका पंडित ने भी खेसारी लाल यादव को उनकी औकात दिखाई थी। बदले में खेसारी लाल यादव के फैंस ने प्रियंका पंडित और राजकुमार पांडे को भर भर के गालियां दी थी। लेकिन अभी तक आपको ये मामला तो समझ में आया नहीं होगा कि खेसारी लाल यादव ने क्यों राजकुमार पांडे की नींद उड़ाई है। तो जनाब, अब हम असली टॉपिक पे आते हैं। आपको तो पता ही होगा कि इस साल राजकुमार पांडे की फिल्म जिसमें उनके बेटा जी प्रदीप पांडे चिंटू नजर आने वाले हैं, फिल्म का नाम है दुल्हन चाहे पाकिस्तान से 2, 19 अक्टूबर यानी दशहरे के मौके पर रिलीज होने वाली है। ठीक उसी दिन खेसारी लाल यादव की फिल्म दबंग सरकार भी रिलीज हो रही है। जी हाँ, ये फिल्म पहले छठ के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब खेसारी लाल यादव ने यू टर्न लेते हुए इस फिल्म को 19 अक्टूबर को रिलीज करने को सोचा है। अब इसी बात से राजकुमार पांडे की नींद उड़ी हुई है। वैसे आपको बता दें कि राजकुमार पांडे ने अपनी फिल्म पर अच्छा खासा पैसा खर्च किया है। आपने फिल्म का ट्रेलर देखा होगा, तभी आप समझ गए होंगे फिल्म को कितने बड़े स्केल पे बनाया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में दबंग सरकार यानी कि भाई खेसारी लाल यादव का बोलबाला है। उनकी कोई भी फिल्म आ रही है और दर्शक उसे हाथों हाथ ले रहे हैं। फिर वो चाहे बलम जी लव यू का ट्रेलर ही क्यों ना हो, बलम जी लव यू के गाने ही क्यों ना हो, वो एक एक दिन में 25-25 और 22-22 लाख व्यूज क्रिएट कर रहे हैं। ये किसी भी रीजनल एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वो इतने बड़े पैमाने पर फैन फॉलोइंग तैयार करे। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं अब प्रियंका पंडित, राजकुमार पांडे और प्रदीप पांडे चिंटू को खल ही रही होगी कि उन्होंने झूठ मूठ का खेसारी लाल यादव से पंगा ले लिया, क्योंकि उनकी अगर ये फिल्म पिटती है तो उन्हें अच्छा खासा नुकसान होगा और इस बार उनकी मात होगी तो खेसारी लाल यादव के हाथ, क्योंकि खेसारी, राजकुमार पांडे और प्रियंका पंडित इन तीनों की लड़ाई में अब ऐसा कुछ नहीं बचा है कि तीनों ने एक दूसरे पर छींटा कसी न की हो। हाँ, राजकुमार पांडे और प्रियंका पंडित एक तरफ थे तो खेसारी अलग थलग थे, लेकिन खेसारी लाल यादव के साथ उनकी बड़ी ही भारी फैन फॉलोइंग थी, इसलिए हर मामले में खेसारी लाल यादव इन पर भारी पड़े। अब देखना होगा कि इनकी फिल्मों पर क्या असर इसका गिरता है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए।